सब्सक्राइब कर दियंतु आम यूट्यूब चैनल एसके स्टडी फैमिली को एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु सबटर प्रथम एम वीडियो को देखिबा पई। वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे समस्तनकु स्वागत। बहुत पिला 10th क्लास जो लाइफ साइंस रे हमर पोषण चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट करथिले, ताले आज हम ए वीडियो रे लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कस करिबा। ए हला हमर पार्ट 11 वीडियो। जो पिला माने पूर्व पार्ट गुडा को देखि नंती ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिए जाई, लिंक रे क्लिक करकी देखि नंतु। तले देखिबा हमर कोन लॉन्ग क्वेश्चन होई छे हमर पोषण चैप्टर रो। पोषण चैप्टर रो बुक रे हमर लॉन्ग क्वेश्चन होई छी 1 रु 6 जई। केते रु छी 1 रु 6 जई लॉन्ग क्वेश्चन होई छी। एटा 1 रु हमर स्टार्ट होई छी केते जई 6 जई होई छी। तले हम गोटे गोटे करकी डिस्कस करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन हमर रो छी आलोक श्लेषण कोन सबुज उद्भिद रे एही प्रक्रिया किपरि होइथाय वर्णना करो। तले देखिबा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि आलोक श्लेषण कोण सबुज उद्भिद रे एही प्रक्रिया किपरि होइथाय वर्णना करो। तले आंसर देखिबा फर्स्ट पॉइंट लिखिबा पत्र रहिथिबा समस्त उद्भिद और नीलहरी शैवाल आलोक शक्ति को पूजा करी अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहती। यह फर्स्ट पॉइंट। तापर सेकेंड पॉइंट देखा यहाँ जो फर्स्ट लिखा है आलोक श्लेषण कौन यटार आंसर। तापर देख सबुज उद्भिद प्रक्रिया किपर हो देखा। तापर सेकेंड पॉइंट लिखा रॉबर्ट हिल परीक्षा करी देखिले जे आलोक श्लेषण गोटे शर्कराणु प्रस्तुत करने 6 अंगारकाम्ल और 12 जल अणु मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए फल शर्कराणु सहित 6 जल अणु और 6 अम्लजान अणु प्रस्तुत हुए। थर्ड पॉइंट देखिबा 1905 मसीह ब्लैकमैन आलोक श्लेषण प्रक्रिया को 2 प्रक्रिया विभक्त करते जथा आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया। कौन कौन 1905 मसीह ब्लैकमैन आलोक श्लेषण प्रक्रिया को 2 भाग विभक्त करते गोटे है कौन आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखा नेक्स्ट रही आलोक प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोड झिल्ली रे और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्टोमा संपादित होता है। आलोक प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोड झिल्ली संपादित होता बेले अंधकार प्रक्रिया कौन क्लोरोप्लास्ट स्टोमा संपादित होता है। एगुटा मुझे किसी डिस्कस करना कहीं पूर्व वीडियो एगुटा अलरेडी डिस्कस हो सारी जदि बुझी ताले पूर्व वीडियो गुड़ी देखनी भल भाव बुझी पारे। ये आमर आईवी वीडियो बिट आईवी। तापर देखिबा बिट फाइव कौन लिखा आलोक प्रक्रिया क्लोरोफिल जल और आलोक आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया एटीपी और एनएडीपीएच मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया कहा जाए। मेलविन केल्विन यह प्रक्रिया को आविष्कार करथिबारु याकु केल्विन चक्र मध्य कहा जाए। यह प्रक्रिया अंगारकाम्ल और शक्ति आवश्यक होइथै। तले थिला हमर फर्स्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तापर देखिबा 2 क्वेश्चन कौन रही 2 क्वेश्चन रही हमर खाद्यर प्रकारभेद उदाहरण सह लेख। खाद्यर प्रकारभेद उदाहरण सह लेख तले आंसर हेबो रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदान को आधार कर खाद्य 6 भाग में विभक्त सेगुडी को हला। तले रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदान को आधार कर खाद्य को 6 भाग में विभक्त करा जाय छी ना कौन कौन गोटे हला श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन एवं जड़। तले गोटे गोटे करके डिस्कस करिबा। फर्स्ट देखिबो श्वेतसार बिट वन देखि लिखिबो श्वेतसार। श्वेतसार रे कोन हबो शर्करा मंडद आमे खाउथिबा प्रधान श्वेतसार जातीय खाद्य। तले शर्करा मंडद आमे खाउथिबा प्रधान श्वेतसार जातीय खाद्य भात रुटी आलु आदि रे प्रचुर परिमाण रे मंडद थाय चीनी गुड आदि सुक्रोज और पनीपरिया फल रस ग्लुकोज थाए। 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलोजूल शक्ति मिले। तेल थी मोर श्वेतसार।
तापर देखिबा पुष्टिसार पुष्टिसार कौन लिखा एमिनामल श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार गठित एमिनामल श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार गठित शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार आवश्यक पुष्टिसार माछ मांस छेना क्षीर आदि थाए तर पुष्टिसार को माछ मांस छेना क्षीर आदि रही थाए तेल थी पुष्टिसार तापर देखिबा स्नेहसार स्नेहसार कौन लिखा पीट नंबर थ्री मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार केशर तेल घी आदि कौन स्नेहसार थाए कोष झिल्ली तैयारी स्नेहसार लिपिड्र भूमिका रही है स्नेहसार को लिपिड मध्य कह जाए यह मन रखा दरकार कोष झिल्ली तैयारी स्नेहसार लिपिड्र लिपिड्र भूमिका रही कहार स्नेहसार लिपिड्र भूमिका रही। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट अच्छी आईवी रे धातुसार धातुसार कौन लिखा शरीर गठन पाई विभिन्न धरण धातुसार जथा लौह कैल्शियम फास्फोरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक शरीर दांत और हाड़ गठन पर कैल्शियम और हिमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक होता है ये धातुसार पॉइंट। तापर देखा विटामिन कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है विटामिन उपस्थिति से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है जल में द्रवणीय विटामिन साग पनीपरिया फल और आदि मिली थाए ये विटामिन पॉइंट और लास्ट पॉइंट रही है एक क्वेश्चन जल खाद्यर पाचन जल साहाय्य खाद्यर पाचन जल साहाय्य कोषरे थिबा कोषरसरे 70-90% जल थाए झाड़ परिस्रा निश्वास आदि शरीर रु जल क्षय हुए आम प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पीवा आवश्यक तेल थी आम खाद्यर प्रकारभेद विषय लंग क्वेश्चन जोटा कि दुई नंबर क्वेश्चन थी तापर देखा तीन नंबर क्वेश्चन कौन रही तीन नंबर क्वेश्चन रही परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण प्रकारभेद उदाहरण सह बुझाओ। फास्ट पॉइंट हम जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत नक अन्य प्राणी बा उद्भिद पर निर्भर करभोजी कह जाए एवं एमानंकर पोषण को परभोजी पोषण कह जाए तो यह फास्ट जो क्वेश्चन थी परभोजी पोषण कौन एट आंसरटा तापर देखा परभोजी पोषण प्रकारभेद और तार उदाहरण देखा गोटे गोटे कर परभोजी पोषण मुख्यतः तो चारि प्रकार तेल परभोजी पोषण केत प्रकार रही चारि प्रकार रही देखा तेल कौन कौन फास्ट रही प्राणीसम पोषण मृतपजीवी पोषण परजीवी पोषण एवं सहजीवी पोषण तेल गोटे गोटे करके डिस्कस कर प्राणीसम पोषण कौन तार उदाहरण मृतपजीवी पोषण परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण तेल फास्ट लिखा पॉइंट रे कौन प्राणीसम पोषण आंसर हो जीवमंडल बास कर समस्त साधारण प्राणी को पोषण प्रक्रिया को कौन कह प्राणीसम पोषण कह उदाहरण है बिट वन बिट टू देवे उदाहरण उदाहरण है मनुष्य घोड़ा हाथी इत्यादि आहरी बहुत रही जहाँ कल तापर देखा नेक्स्ट पॉइंट मृतपजीवी पोषण आंसर हो फास्ट पॉइंट देखिए लिखे जो जीव मैंने मृत गणित पचासढ़ा उद्भिद व प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करतपजीवी कह जाए यार उदाहरण हम उदाहरण है छतुजात कवक ईस्ट बैक्टीरिया इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखा नेक्स्ट पॉइंट रही परजीवी पोषण परजीवी पोषण लिखा फास्ट पॉइंट देखी जो जीव मैंने अन्य जीवंत उद्भिद व प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही से मानु खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करजीवी कह जाए उदाहरण मलांग निर्मूणी राफ्लेसिया आदि यार उदाहरण यहाँ निर्मूणी हम निर्मूणी राफ्लेसिया कौन आदि यार उदाहरण। नेक्स्ट देखा सहजीवी पोषण
आंसर हेबो दुईट भिन्न जातिर प्राणी एकाठी बसवास करिबाकु सहजीविता कहुए। उदाहरण टी देखा मनुष्य अंतरण में बास कर इसचेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया यार उदाहरण कहार सहजीवी पोषण उदाहरण मनुष्य अंतरण में कौन इसचेरिचिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया रही है जी कि आमको विटामिन बी ट्वेल्व जगह थाई एवं अंतरण कौन खाद्य संग्रह की निजर पुष्टि साधन करही कहारी क्षति करती नहीं तो सहजीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट मोर रही चार नंबर क्वेश्चन अच्छी मनीष खाद्य नली विभिन्न अंश लेख पार्टी खाद्यर परिवर्तन किपर हो बुझाओ तो फास्ट पॉइंट मोर हम मनुष्य खाद्य नली गठन कार्य पर मनुष्य खाद्य नली गठन कार्य पर निर्भर करी यहाँ विभिन्न अंश विभक्त कर मनुष्य खाद्य नली गठन कार्य पर निर्भर करी यहाँ विभिन्न अंश विभक्त कर अंश गुड़ी कौन ये क्वेश्चन रही तार आंसर फास्ट जो रही मनीष खाद्य नली विभिन्न अंश तेल देखा कौन कौन अंश रही फास्ट रही पार्टी मुखगह्वर ग्रसनी निगल बा ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांतर बृहदांतर मलाशय एवं मलद्वार एथिला मनीष खाद्य नली विभिन्न अंश। तापर देखा तापर क्वेश्चन कौन थी ना तापर रही पार्टी खाद्यर परिवर्तन किपर हो बुझाओ देखिबा तापर पार्टी खाद्यर परिवर्तन हेडिंग दिया कौन ना पार्टी खाद्यर परिवर्तन फास्ट पॉइंट आंसर हो पार्टी चारि प्रकार 32 टी दांत द्वारा खाद्य गुंड होता है। सेकेंड लिखा तीन जोड़ा लाल ग्रंथि निश्रुत लाल द्वारा चर्बित खाद्य पिछड़ मंडपरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लाल टालिन नामक एंजाइम जटिल शीतसर खाद्य को मंड को माल्टज परिणत करे। नेक्स्ट पॉइंट पार्टी खाद्य अधिजीवा द्वारा ग्रासनली भितर को चली जाए तले पाकस्थली गठन कार्य एतिक ही पॉइंट हे पार्टी खाद्यर परिवर्तन किपर होते चार्टा पॉइंट कौन पार्टी खाद्यर परिवर्तन कौन कौन बिटमार रही पार्टी चारिप्रकार 32 टी दांत द्वारा खाद्य गुंड होता है। सेकेंड रही तीन जोड़ा लाल ग्रंथि निश्रित लाल द्वारा चर्बित खाद्य पिछड़ मंडपरी होता है। लाल टालिन नामक एंजाइम जटिल शेतसर खाद्य को खाद्य मंड को माल्टज परिणत कै पार्टी खाद्य अधिजीवा द्वारा ग्रासनली भितर को चली जाए। तापर देखा पाँच नंबर क्वेश्चन कौन रही ना पाकस्थली पाकस्थली गठन कार्य लेख पाकस्थली गठन कार्य लेख एनसर हे प्रथम लिखा पाकस्थली गठन यपरी हेडिंग गोटे करवा पाकस्थली गठन फास्ट पॉइंट देखिए लिखे पाकस्थली उपर भाग चौड़ा और तड़ अंश कम ओसारिया। सेकेंड पॉइंट पाकस्थली उपर भाग को कार्डियक स्टोमाक कहा जाए और तल भाग को पाइलोरिक स्टोमाक कहा जाए। थर्ड पॉइंट देखा पाइलोरिक स्टोमाक शेष मुद्रिका आकार मांसपेशी थाए यार संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थली अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण क्षुद्रांतर को जाए। तापर देखा चार नंबर पॉइंट रे पाकस्थली भितर आच्छादन में अनेक ग्रंथि रही ग्रंथि पाचक रस लवण लवणवण निश्रित होता है पाकस्थली कार्य तेल एगुटा थी कौन पाकस्थली गठन तापर देखा पाकस्थली कार्य पाकस्थली कार्य कौन फास्ट पॉइंट पाकस्थली क्षेरित पाचक रस पेप्सिन एंजाइम अम्लीय परिवेश पुष्टिसार जातीय खाद्य को सरल प्रोटीयज और पेप्टन रे परिणत करिथाय। एथिला फास्ट पॉइंट पाकस्थली कार्य। सेकेंड पॉइंट पाकस्थली क्षेरित लवणामूल खाद्य
क्षतिकारक बैक्टीरिया इत्यादि को मारी दिए। बिट नंबर थ्री पाकस्थलीर कार्यर पॉइंट नंबर बिट थ्री पाइलोरिक स्टोमाक शेषे मुद्रिकाकार मांसपेशी द्वारा खाद्य तरल मंड रूपे क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी मध्य को प्रवेश करी तले एथिला पाकस्थलीर कौन कार्य क्वेश्चन कौन थी मोर पाकस्थलीर गठन कार्य लेख तले पाकस्थलीर गठन एवं कार्य वर्णन कले तले वीडियो लास्ट क्वेश्चन रही है मोर छ नंबर क्वेश्चन एगुड़ा थी पाकस्थलीर गठन कार्यर पॉइंट तापर देखिबा छ नंबर क्वेश्चन छ नंबर क्वेश्चन रही पाकनळी सह जड़ित ग्रंथि गुड़िकर नाम कार्य लेख तले पाकनळी सहित जड़ित ग्रंथि गुड़िक नाम और कार्य कौन डिस्कस करने देख फास्ट पॉइंट लिखा फास्ट पॉइंट देखिए लिखा पाकनळी सह जड़ित ग्रंथि गुड़िक अग्नाशय ग्रंथि और जकृत ग्रंथि। सेकेंड पॉइंट अग्नाशय ग्रंथि क्षरित अग्नाशय रस विभिन्न प्रकार एंजाइम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जातीय क्षार रही एक क्षार पाकस्थली पहुँचुवा अम्लीय खाद्यमंड को सामान्य क्षारिय करी दिए। थर्ड पॉइंट अग्नाशय रस विभिन्न एंजाइम खाद्य को सरल सरल खाद्य परिणत करी ना कौन अच्छी थर्ड नंबर पॉइंट अग्नाशय रस विभिन्न एंजाइम खाद्य को सरल खाद्य परिणत करी थाए अग्नाशय रस निश्रित इंसुलिन श्वेतसार को ग्लुकोज परिणत करे इंसुलिन ठीक रूपे क्षरण नहले रक्त शर्करा अंश बढ़ी जाए फल मधुमेह रोग हुए। तापर देखिबा चार नंबर पॉइंट जकृत क्षरित पित्तरस खाद्य सह मिसे चार नंबर पॉइंट कौन हो जकृत क्षरित पित्तरस खाद्य सह मिसे पांच नंबर पॉइंट लिखा पित्तरे एंजाइम नथाय एहा सेनसार जातीय खाद्य को अवद्रवीकरण करी फैटी एसिड और ग्लिसेरल रे परिणत करे। तले वीडियो हला कंप्लीट वीडियो भल लगी गोटे गोटे लाइक एवं शेयर करने भूलु नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग।